रोहित यादव को लगा डोपिंग का डंक, टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। जैवलिन थ्रो के युवा एथलीट रोहित यादव से एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता हुआ रजत पदक छीना जा सकता है। रोहित को प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाया गया। 16 साल के यादव को अस्थायी निलंबन के अंतर्गत रखा गया है। उनका नमूना स्टेनोजोलोल के लिए पॉजिटिव पाया गया। यादव ने 2016 विश्व स्कूल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, रोहित को स्टेनोजोलोल का पॉजिटिव पाया गया है और उन्हें अस्थायी निलंबन के अंतर्गत रखा गया है। उन्होंने कहा, अभी सिर्फ उनका नमूना ही टेस्ट किया गया है। फाई को 23 मई को टेस्ट के परिणाम मिले, जो बैंकॉक में एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का अंतिम दिन था। फाई को डोप नतीजे का पता नहीं था, इसलिए रोहित को इसके लिए भेज दिया गया। यह टूर्नामेंट के दौरान हुआ टेस्ट था, जो पिछले महीने हैदराबाद में राष्ट्रीय युवा चैंपियनशिप के दौरान किया गया था। दूसरी एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप थाईलैंड के बैंकॉक में 20 से 23 मई तक आयोजित हुई थी। Thank for watching. Subscribe now to receive new updates every day. And don't forget to drop a like, leave a comment.